दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पॉसिबली ये छोटी मोटी डील्स का लास्ट वीडियो होगा एंड कल से चालू होने वाला है धमाकेदार डील्स वाले वीडियो का, मतलब कल फ्लिपकार्ट पे आने वाले सारी डील्स तगड़ी वाली, कुछ 25-30 स्मार्टफोन की, वेट करना उनका। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आज रियलमी और रेडमी ने रिवील किया है। वैसे बहुत सारे स्मार्टफोन की डील रिवील किया है लेकिन उसमें से जो अच्छे वाले वही मैं पिक करके आपको इसमें बताने वाला हूँ, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। रेडमी ने अमेजोन के ऊपर और रियलमी ने फ्लिपकार्ट के ऊपर रिवील किया हुआ है, तो ये चीज़ याद रखना। वैसे रियलमी पहले भी अपने डील्स रिवील कर चुका है 2-3, तो उनके ऊपर वीडियोज बन चुके हैं, जो आज रिवील हुए उसके बारे में करेंगे। आपके पास ICICI का, एक्सिस बैंक का या फिर SBI का, इन तीनों का कार्ड होना चाहिए दोनों साइड से कुछ भी खरीदने के लिए, तो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट उठा सकते हो सारी चीजें। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वैसे डील्स तो बहुत सारे रियलमी ने रिवील किए हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, लेकिन मुझे कौन से 3 अच्छे लगे ठीक ठाक वाले। एक तो है रियलमी GT Neo 3T, अभी लॉन्च हुआ है, 30,000 का फोन है। सारे ऑफर्स लगा के आपको ये 23,000 रुपये मिल जाएगा, 7,000 रुपये तक का ऑफ है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का E4 एमोलेड का डिस्प्ले मिलता है, स्नैपड्रैगन 870 है एंड बाकी सारी चीजें ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, ठीक ठाक सा कहूंगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट पोको F4 जो है और IQOO Neo 6 जो है वो ज़्यादा बेटर प्राइस पे आ रहे हैं और ऑब्वियसली स्पेसिफिकेशन में OIS है, सारी चीज़ें प्लस पॉइंट है उसके पास, तो ठीक ठाक है, देख सकते हो। नेक्स्ट है Realme 9 5G SE, ये 20,000 का स्मार्टफोन है, स्नैपड्रैगन 778G के ऊपर आता है, देन इसके साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड बहुत सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें डिसेंट सी हैं, ये दोनों चीज़ें प्लस पॉइंट है। तो अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए 15,000 के नीचे, हाँ इसका मतलब 5,000 का ऑफ आ रहा है इसके ऊपर, 20,000 का फोन है, 5,000 के ऑफ के साथ ये 15,000 में मिलेगा एंड उस प्राइस के हिसाब से अगर आपको गेमिंग फोन चाहिए तगड़ी डील है, देख सकते हो। स्नैपड्रैगन 778G बेस्ट है 15,000 की प्राइस पे, तगड़ा है। IPS LCD का पैनल है लेकिन 144 हर्ट्ज़ का, तो देख सकते हो। तीसरे डील की बात करें रियलमी 9i 5G, ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी लॉन्च हुआ है, Dimensity 810 के ऊपर आता है, 90 हर्ट्ज़ का IPS LCD का पैनल है, 15,000 का था इसका बेस वेरियंट, कहा जा रहा है अभी रिवील नहीं किया है उन्होंने, डैश डैश करके रखा है, कहा जा रहा है 3,000 से 4,000 का ऑफ आएगा, तो ये 11,000-12,000 रुपये में आपको पड़ जाएगा, उस प्राइस के हिसाब से सही है, मतलब बहुत खराब तो नहीं कहूँगा, सही है। इसके अलावा रियलमी सी सीरीज के 2-3 फोन्स हैं, वो सब रिवील हो तो मुझे जमे नहीं। और रियलमी GT2 Pro, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro Plus, इनके ऑफर्स ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए। चलिए इसके बाद चलते हैं अमेजोन पे, जहाँ पे शाओमी और रेडमी के डील्स रिवील हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, रेडमी 10, रेडमी बहुत सारे ऐसे हैं छोटे मोटे जो कि ठीक ठाक से लगे मुझे। मेरे हिसाब से जो 3 डील सबसे अच्छी हैं वो है रेडमी K50i जो कि 26,000 का है, सारे ऑफर्स लगा के आपको 20,000 रुपये मिलेगा, 20,000 से नीचे आज तक अभी आया नहीं है, 20,500 तक आया हुआ है, 20,000 के नीचे अभी तक कभी इसका डील गया नहीं है। तो अगर आप देखते हो तो डोमेंसिटी 8100, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला पैनल, 65W के आसपास का चार्जर, सारी चीज़ें अगर आप देखते हो तो उस प्राइस के हिसाब से तगड़ा है, देख सकते हो इसको। रेडमी नोट 11 प्रो प्लस, ये 21,000 का स्मार्टफोन है बेस वेरिएंट, इसके ऊपर 4,000 का ऑफर है, 17,000 में मिल जाएगा, 17,000 के हिसाब से अच्छी डील है अगर आप देखते हो तो। 120 हर्ट्ज का एमोलेड है, 67W का चार्जर है, 108 मेगापिक्सल कैमरा है, देन इसका स्नैपड्रैगन 695 प्रीमियम स्मार्टफोन मिड रेंज का, अगर आपको देखना तो उसकी तरफ देख सकते हो, 17,000 के हिसाब से मेरे हिसाब से अच्छी डील है। चलिए नेक्स्ट लास्ट Xiaomi 12 Pro, प्रो कैमरा चाहिए आपको, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से ब्रांड का है, बजट आपका 40-45,000 के आसपास का, तो इसकी तरफ देख सकते हो। इसमें डिस्प्ले जो है 120 हर्ट्ज़ का एमोलेड वाला है लेकिन उसमें 1 बिलियन कलर्स आते हैं, मतलब काफ़ी तगड़ा डिस्प्ले एंड फिर आपको वही 50+50+50 350 मेगापिक्सल के सेंसर्स रियर साइड पे दिए गए, OIS सब कुछ दिया गया, अच्छा है, इसके परफॉर्मेंस भी तगड़े आए हुए हैं। प्राइसिंग इसके 63,000 है, सेल में 45,000 में आ रहा है, तो 18,000 का डायरेक्ट ऑफ आ रहा है, इसके ऊपर देखना चाहते हो इसकी तरफ भी देख सकते हो, मतलब प्राइस के हिसाब से काफ़ी तगड़ा है, देखना चाहते हो Xiaomi 12 Pro की तरफ देख सकते हो, ये डील में तीसरे नंबर पे आता है। इसके अलावा Xiaomi 11i जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर वो भी आया है हाइपर चार्ज, और ये इसके बाद Xiaomi 11 Lite एंड E5G जो है ये भी आ गया ऑफर में, लेकिन ये 19,750 तक आ रहा है, तो ठीक ठाक सा डील है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। Xiaomi 11T Pro जो है वो भी है 28,000 के आसपास आ रहा है, तो ये IQOO 9 SE और Realme GT2 जो है इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, तो वो भी सही है उस प्राइस के हिसाब से, देखना चाहते हो उसकी तरफ भी देख सकते हो। तो बाकी ये 6 डील 7 डील जो थे मेरे हिसाब से काफ़ी तगड़े थे, बाकी आपको कौन सा पसंद आया जरूर बताना एंड कल वाले वीडियो का वेट करना, कल से अब चालू हो रहा है धमाकेदार, मतलब पहले फ्लिपकार्ट के सबसे बेस्ट 30-35-40 जो रहेंगे,
फिर अमेजोन वाले, फिर उसके बाद आपका आएगा 15,000 के नीचे सबसे बेस्ट डील, 20,000 के नीचे सबसे बेस्ट डील, 25,000 के नीचे सबसे बेस्ट डील, वो वाले, फिर फ्लिपकार्ट के 10 सबसे तगड़े डील, अमेजोन के 10 सबसे तगड़े डील, ऐसे बहुत सारे वीडियोज आते रहेंगे पूरे सेल पीरियड में। वेट करना एंड मुझे बता देना कैसा लगा वीडियो। साइड में देखो वेक्टर में, उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। एंड अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया कंसेप्ट के दोस्तों।